हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोगों ने ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और अब तक आपको फर्स्ट लेक्चर सीरीज मिल गए होंगे, और अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, सो दैट जो भी कमियां रहेंगी उसे दूर की जाएंगी और आप लोग का सजेशन हमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का मोटिवेशन देता है। तो यू कैन सजेस्ट any issue if you faces with respect to my video, I will definitely take care of it. And इसके साथ साथ you can share my video as well so that ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आज के इस video lecture series में हम लोग second chapter interior of earth के बारे में study करेंगे। prelims point of view से देखा जाए तो UPSC के जो paper हैं उसको अगर analyze किया जाए तो अब कहीं ना कहीं इंटीरियर ऑफ अर्थ से उतना ज़्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती कि अगर पहले नहीं आए हैं तो बाद में भी नहीं आएंगे। इसलिए ये एक कोर चैप्टर है ज्योग्राफी का, आपको इसे कवर अच्छे से करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर से, यानी कि आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन आता था, अब फोकस कहीं ना कहीं क्लाइमेट और आपका जो करंट अफेयर्स है उससे ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया है। दैट्स वाई इसका जो वेटेज है स्टैटिक टॉपिक का रिलेटेड टू द फिजिकल ज्योग्राफी वो कम हुआ है, मेंस में नहीं बल्कि प्रीलिम्स है। मेंस में तो अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ या फिर फिजिकल ज्योग्राफी से, है ना। क्लाइमेट से आजकल ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और क्रॉप एग्रीकल्चर इस पर से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो करंट अफेयर में है, जो न्यूज में रहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बट कोई नहीं जानता यूपीएससी में क्या पूछ लिया जाए, अगर सिलेबस में है तो हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी विल स्टडी इंटीरियर ऑफ अर्थ इन अ सर्टेन डिटेल सो दैट मेंस के लिए आपका उसे भी कवर हो जाए। तो लेट्स स्टडी जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, यानी कि इंटीरियर ऑफ अर्थ है। इंटीरियर ऑफ अर्थ कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको ही पता है ये अर्थ है और अर्थ आपका एक सॉलिड बॉडी है और अल्टीमेटली एक तो आपका एक्सटीरियर है दैट इज योर एटमॉस्फेयर, है ना, और दूसरा आपका इंटीरियर है यानी कि आप सरफेस ऑफ अर्थ पर रहते हो और जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे की ओर जाते हो यानी कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ तो ये आपका होता है इंटीरियर ऑफ अर्थ। और बहुत सारे स्टडी किए गए, डायरेक्ट एविडेंस भी प्राप्त हुए तो इससे पता चलता है कि जो आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का नहीं है, यानी कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कंसेंट्रिक लेयर। व्हेन वी से कंसेंट्रिक लेयर तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज दिस इज अर्थ एंड कुछ डेप्थ तक आपका एक ही कंपोजिशन का लेयर होगा और उसके बाद दूसरा कंपोजिशन का लेयर शुरू हो जाएगा, उसके बाद तीसरे कंपोजिशन का लेयर शुरू हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं लेयर बाय लेयर सेग्रीगेशन दैट इज योर कंसेंट्रिक लेयर्स। तो ये मतलब होता है आपका कंसेंट्रिक लेयर का। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका अर्थ इंटीरियर है ये सेवरल कंसेंट्रिक लेयर से बना हुआ है। आप सुनते भी होंगे क्रस्ट मेंटल कोर, और क्रस्ट मेंटल कोर सुनते होंगे इसी के अल्टरनेटिव नाम भी है शियाल, सीमा और निफेस। शियाल स्टैंड्स फॉर सिलिकन एल्युमिनियम एंड सीमा स्टैंड्स फॉर सिलिकन एंड मैग्नीशियम एंड द लोवेस्ट यानी कि द डेप्थ मोस्ट लेयर इज योर निफे दैट इज योर निकल एंड आयरन NiFe स्टैंड्स फॉर आयरन। तो ये होप आपका जो कंसेप्ट है कंसेंट्रिक सर्कल्स वाली वो क्लियर हुई होगी, अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर। अब बेसिकली कुछ क्रोनोलॉजी पता चलती है जब हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं। वो क्या क्रोनोलॉजी होती है कि जैसे जैसे हम टुवर्ड्स इंटीरियर डीपर जाते रहते हैं तो जो टेम्परेचर है प्रेशर है वो सब बढ़ता है, और उसे बढ़ने का कारण एक तो आपका जो ओवरलाइंग लोड है, जो भी मटेरियल्स ऊपर है और जब आप नीचे जाओगे तो ये ओवरलाइंग लोड बढ़ते जाती है और अल्टीमेटली वो प्रेशर को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। साथ ही साथ विद इन द अर्थ इंटीरियर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, और ये रेडियो एक्टिव मटीरियल बेसिकली हीट प्रदान करते हैं जिसके कारण टेम्परेचर जो इंटीरियर ऑफ अर्थ का है वो राइज होता है। तीसरा एक और फैक्टर है वो है आपका रेसिडुअल हीट। रेसिडुअल हीट यानी कि जब अर्थ
जनरेट बन रहा था, यानी कि जब अर्थ अपने प्रीमोडियल स्टेज में था तो आपको ही पता है आग का गोला था, और धीरे धीरे वो कंडेंस होना शुरू हुआ। लेकिन कंडेंस होना शुरू हुआ तो जो आउटर लेयर है दैट इज योर क्रस्ट, वो तो सॉलिड सरफेस में कंडेंस होकर सॉलिड पार्ट बन गया, लेकिन जो हीट था वो अल्टीमेटली पैक्ड हो गया विद इन द अर्थ क्रस्ट दैट इज योर विद इन द लिथोस्फेयर, है ना। तो अल्टीमेटली वो भी एक फैक्टर है जो आपके अर्थ का प्रेशर एंड टेम्परेचर को विद इन द अर्थ इंटीरियर उसे कंट्रोल करती है। और अगर हम लेयर की बात करें तो ब्रॉडली तीन लेयर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं बेस्ड ऑन द मिनरल कंपोजिशन, वो है आपका क्रस्ट, दूसरा है मेंटल एंड तीसरा है आपका कोर, है ना। तो योर फर्स्ट मोस्ट लेयर इज योर क्रस्ट, क्रस्ट की थिकनेस काफी कम होती है, उसके बाद आप मेंटल में जाते हो और उसके बाद कोर में जाते हो, उसके बाद इनके सब डिविजन भी है वो भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें क्रस्ट की तो क्रस्ट इज योर आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट, अभी हमने इमेज के माध्यम से आपको बताया क्रस्ट इज योर आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट, याद रखना ये सॉलिड है ना। अब ये क्रस्ट के भी डिविजन किए गए हैं, एक तो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और दूसरा है आपका ओशियनिक क्रस्ट, है ना। यानी कि आप देखते हो कि आपका जो अर्थ है ओवरऑल कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन में मौजूद है, बस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपके कॉन्टिनेंटल पोर्शन हो गए, ओशियनिक क्रस्ट आपके ओशियनिक बेसिन वाले पोर्शन हो गए। तो आप लॉजिक लगाओ जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी उसकी थिकनेस कहीं ना कहीं ओशियनिक क्रस्ट से ज्यादा होगी, है ना, दैट्स व्हाई वो ओशियनिक बेसिन से हायर एलिवेशन पर नजर आती है। तो यस, आपने सही समझा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ओशियनिक क्रस्ट के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हो थिकनेस की बात करें तो जो एवरेज थिकनेस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो है 30 किलोमीटर और डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मटेरियल की। ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो ये थिनर होंगे रिलेटिवली, इनकी जो थिकनेस है वो कम होती है, अप्रोक्स 5 किलोमीटर का थिकनेस होता है, और डेंसिटी आपको याद रखनी है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा होती है इसकी, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स व्हाई जब भी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट का टकराव होता है तो कौन सबड्यूड करता है, आपके ओशियनिक क्रस्ट बेसिकली सबड्यूड करते हैं, क्योंकि ये डेंसर है और डेंसर होती है तो आपको पता है लाइटर के नीचे ये सबड्यूड हो जाती है ना। और रॉक टाइप की बात करें इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो ग्रेनाइटिक रॉक के कंपोजिशन होते हैं उसके, और मिनरल्स सिलिका और एलुमिनियम, दैट्स वाई आपका ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला जो लेयर है उसको सियाल भी कहते हैं, यानी कि मेनली इसके जो कंपोजिशन है रॉक मटेरियल्स के जो मिनरल्स मिलते हैं इसमें आपके सिलिका और एलुमिनियम का डोमिनेंस है। ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो ओशियनिक क्रस्ट में जो मिनरल्स मिलते हैं आपको सिलिका प्लस आयरन प्लस मैग्नीशियम, जो मिलाकर इसको हैवी बना देता है, मोर डेंसर बना देता है, दैट्स वाई इस लेयर को सीमा लेयर भी कहते हैं, है ना। और आपका जो क्रस्ट है प्लस अपर मोस्ट लेयर ऑफ अपर मेंटल, ये मिलाकर आपका लिथोस्फेयर बनता है। लिथोस्फेयर की थिकनेस आपका 10 से 200 किलोमीटर तक वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर वो ओशियनिक बेसिन का लिथोस्फेयर है ना, ओशियनिक लिथोस्फेरिक प्लेट है तो उसका थिकनेस कम होगा, लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक प्लेट है तो उसका थिकनेस आपका ज्यादा होगा। दैट्स या ये जो है रेंज में दिया गया 10 से 200 किलोमीटर, है ना, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत है। तो लिथोस्फेयर में आपको क्या याद रखना है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट लेयर ऑफ अपर मेंटल, यहाँ पर अपर मेंटल भी जोड़ दोगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, क्योंकि मेंटल के भी लेयर है, मेंटल भी डिफरेंट लेयर में डिमार्केटेड है, एक तो आपका अपर मोस्ट लेयर ऑफ अपर मेंटल जो आपका सॉलिड नेचर का होता है, उसके बाद जब हम नीचे के मेंटल लेयर में जाते हैं तो वहां आपका लिक्विड नेचर का होता है, प्लास्टिक नेचर का होता है, उसी के ऊपर आपका जो लिथोस्फेयर है वो फ्लोट करती है ना। लिथोस्फेयर फ्लोट्स ओवर एस्थेनोस्फेयर, आपने सुना भी होगा, है ना। तो एस्थेनोस्फेयर जो है मेंटल का लेयर है, आपको भी पता है। एंड मेंटल की बात करें तो जो मेंटल है वो आपका मोहर डिस्कंटिन्यूटी से एक्सटेंड करता है अप टू 2900 किलोमीटर डेप्थ तक जाता है ना। तो मेंटल का अगर हम बात करें लेयर के थिकनेस की तो अप्रोक्स आपका मोहर डिस्कंटिन्यूटी से, मोहर डिस्कंटिन्यूटी यानी कि जहां पर आपका क्रस्ट
का लेयर खत्म हो रहा है और मेंटल का लेयर शुरू हो रहा है, तो वो आपका हो जाएगा मोह डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है जहां से क्रस्ट का लेयर खत्म होता है वहां से आपका मेंटल शुरू होता है, और अप टू 2900 किलोमीटर वो आपका मेंटल का लेयर होता है ना। और फिर आप देख सकते हो जो अपर पोर्शन है मेंटल का उसको स्थेनोस्फेयर कहते हैं, और स्थेनोस्फेयर अप टू 400 किलोमीटर डेप्थ तक मौजूद होता है, और इसी स्थेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करते हैं और जो मटेरियल है इन द अपर मेंटल पोर्शन उसको मैग्मा कहा जाता है, और वही मैग्मा जब अर्थ के क्रस्ट को चीरफाड़ कर पाथवे ढूंढकर जब सरफेस पर आ जाती है तो उसे लावा कहा जाता है, है ना। जाहिर सी बात है हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लेयर के डेप्थ में जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, तो देख सकते हो डेंसिटी क्या है मेंटल की 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो लोअर मेंटल है यानी कि मेंटल के भी डिवीजन कर दो तो एक तो आपका अपर मेंटल हो गया, उसके बाद आपका एस्थेनोस्फेयर आ गया, उसके बाद आपका लोअर मेंटल आ गया, तो लोअर मेंटल जाहिर सी बात है बियॉन्ड एस्थेनोस्फेयर एक्सटेंड करती है, और एस्थेनोस्फेयर के बाद का जो मेंटल लेयर है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ये जो भी ऑप्शनल आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, है ना। अब बात करते हैं कोर की, जो आपका लास्ट लेयर है, है ना। तो कोर की बात करें तो कोर आपका मेंटल बाउंड्री से शुरू होता है, यानी कि जहां मेंटल की बाउंड्री खत्म होती है और वहां से शुरू होता है, दैट इज 2900 किलोमीटर से शुरू होता है आपका कोर लेयर, और अल्टीमेटली जो अर्थ का रेडियस है दैट इज 6378 किलोमीटर वहां तक ये कोर फैला हुआ है, और इसको निफेल लेयर भी कहते हैं। निफेल लेयर स्टैंड्स फॉर द आयरन प्लस निकेल के कंपोजिशन वाला लेयर, तो यहाँ पर डोमिनेंस किसका मिलेगा, आयरन और निकेल का, है ना। और ये काफी ज्यादा डेंसर मटेरियल होते हैं, दैट्स व्हाई ये पूरे सिंक हो गए और अल्टीमेटली कोर में आके चिपक गए। और कोर का भी आपका दो डिवीजन किया गया है, एक तो आपका आउटर लेयर, और आउटर लेयर वाला जो कोर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि इनर लेयर वाला जो कोर है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ये याद रखना है प्रीलिम्स के फैक्ट के रूप में। अब आ जाओ डायग्राम के ऊपर, डायग्राम से आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहले तो देख सकते हो ये अर्थ है आपका, लेट से अर्थ को के डिफरेंट लेयर को यहाँ पर दिखाया गया है, और हमने एक पोर्शन कट कर लिया है ना, एक पोर्शन लेट से इसको कट कर लिया अर्थ से, और इसको हाईलाइट करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो जब इसको जूम करके दिखाया जा रहा है तो आप देख लो क्रस्ट की बात करें तो जो आप और हम लोग अर्थ सरफेस पर रहते हैं या फिर जो ओशियनिक बॉडी हिमालय माउंटेन ये सब देखते हो, ये सब क्रस्ट पर ही मौजूद है ना। ओशियन और ओशियनिक वाटर बॉडीज ये सब सब क्रस्ट पर ही मौजूद है, क्रस्ट यानी कि योर सॉलिड सरफेस, है ना। और क्रस्ट की थिकनेस देखी जाए तो 0 से 100 किलोमीटर थिक होती है। वाय 0 से 100 किलोमीटर, क्योंकि आपको ही पता है क्रस्ट में आपके ओशियनिक बेसिन भी आ जाते हैं तो इनकी थिकनेस कम होगी, लेकिन क्रस्ट में ही तो हिमालय और हाई ऑल्टीट्यूड वाले माउंटेन प्लेटू आ जाते हैं, तो ऐसे में इनकी थिकनेस बढ़ जाती है। दैट्स वाई जो क्रस्ट का थिकनेस है वो रेंज करता है बिटवीन 0 से 100 किलोमीटर, है ना। अब क्रस्ट के बाद हम लोग मेंटल में जाएंगे, तो मेंटल की बात करें तो मेंटल में जैसा कि मैंने बताया एक सर्टेन थिकनेस जो मेंटल का होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहां पर आप देख लो कि लेट से आपका ये वाला जो मेंटल का लेयर यहां से शुरू हो रहा है, आप ये लाइन पे ध्यान दो, यहां से मेंटल का लेयर शुरू हो रहा है और अल्टीमेटली ये जो मेंटल लेयर और सर्टेन डेप्थ तक ये सॉलिड पोर्शन में है ना, सॉलिड पोर्शन में है, और उसके बाद एस्थेनोस्फेयर का लेयर शुरू हो जा रहा है। एस्थेनोस्फेयर आपका प्लास्टिक लेयर है, यानी कि फ्लूइड टाइप, है ना, जेली टाइप लेयर होता है ये, है ना, नाइदर टू लिक्विड नाइदर टू सॉलिड। तो अगर लिथोस्फेयर की बात करें तो मेंटल के ये जो सॉलिड पोर्शन है उसको तो लिया ही जाएगा, प्लस क्रस्ट का जो आपका सॉलिड पोर्शन है क्रस्ट के टोटल थिकनेस को ले लिया जाएगा, टोटल क्रस्ट को इंक्लूड कर लिया जाएगा, प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल जो कि सॉलिड है उसे भी ले लिया जाएगा, और दोनों को मिलाकर लिथोस्फेयर कहते हैं। और आप देख सकते हो यही जो लिथोस्फेरिक प्लेट है इसी यही लिथोस्फेरिक प्लेट एस्थेनोस्फेयर पर फ्लोट कर रहा है, और एस्थेनोस्फेयर आपका क्या है, सोर्स ऑफ मैग्मा, है ना। और ऐसा मान लो कि आपका ओशियन है और उस पर शिप मूव कर रहा है ना, तो वो उस टाइप से आप मान सकते हो एज ए लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स,
है ना, और हम लोग कहते हैं कि कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। तो कॉन्टिनेंट मूव करने का बेसिक ऑब्जेक्ट यही है कि आपका जो स्थेनोस्फेयर है वो आपका फ्लूइड नेचर का है और उसके ऊपर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या लिथोस्फेरिक ब्लॉक रखा हुआ है, और बिकॉज ऑफ द हीट जो जनरेट होते हैं फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मेंटल कन्वेक्शन थ्योरी आपने पढ़ा होगा, हो सकता है, और उसी थ्योरी के आधार पर आपका जो हीट है वो इस कॉन्टिनेंटल या लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो लिथोस्फेयर को हम लोगों ने समझ लिया, अब चलते हैं मेंटल की अदर लेयर में। तो यहाँ आप देख लो, जब लिथोस्फेरिक प्लेट आपका खत्म होता है उसके बाद लोअर लेयर ऑफ मेंटल शुरू होता है आपका, और अप टू 2900 किलोमीटर आपका ये मेंटल लेयर चलता है, और उसके बाद आपका कोर लेयर शुरू हो जाता है, यानी कि बियॉन्ड 2900 किलोमीटर। और कोर का भी दो डिवीजन है, एक तो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर, ये आउटर कोर हो गया, ये लिक्विड इन नेचर होते हैं, और यही आउटर कोर के कारण आपको ये पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो जनरेट होता है, अर्थ एक्ट्स एज ए बार मैग्नेट, दैट्स व्हाई लिक्विड लेयर का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है ना। और बियॉन्ड 5100 टिल द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज योर 6378 किलोमीटर, ये आपका सॉलिड इनर कोर होता है ना। तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की। अब ये डिसकंटिन्यूटी क्यों आती है, अब एक एग्जांपल ले लो, आप एक मोबाइल फोन ले लो, अगर आपके पास है तो अभी ले सकते हो, उसके बाद एक बुक ले लो या फिर कोई अदर मटेरियल ले लो और मोबाइल फोन को उस पर रख दो, तो आप देखोगे कि जब जो जोन है जहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट मीट कर रहे हैं उसमें गैप होगा, है ना। तो ये गैप और कुछ नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूटी ही है। डिसकंटिन्यूटी यानी कि दोनों का कंपोजिशन ही अलग हो गया है, एक है आपका मोबाइल फोन जो कि डिफरेंट कंपोजिशन से बना हुआ है, और दूसरा है आपका लेट्स से कि आपने कोई बुक रख लिया उसके ऊपर तो वो दूसरे कंपोजिशन से बना हुआ है। और सिंपल टर्म में कहें तो एक आप वुड ब्लॉक ले लो सेम साइज का और एक आयरन ब्लॉक ले लो आप उसी साइज का, तो दोनों यूनिफॉर्मली नहीं रख पाओगे, देयर विल बी अ सर्टेन गैप, यही सर्टेन गैप को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो चूंकि क्रस्ट मेंटल और कोर डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, हमने देखा सियाल सीमा निफे है ना, इसी के कारण आपका डिसकंटिन्यूटी आती है, गैप आती है, ब्रेक आती है ना। तो जो मेजर डिसकंटिन्यूटी है वो तो तीन है, दैट इज योर मोहर डिसकंटिन्यूटी एंड योर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। मेजर डिसकंटिन्यूटी बेसिकली दो ही है, एक तो आपका मोहर डिसकंटिन्यूटी हो गया, और मोहर डिसकंटिन्यूटी आपका बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, यानी कि जब क्रस्ट का लेयर खत्म होता है और मेंटल का लेयर शुरू होता है, तो जो डिसकंटिन्यूटी या गैप बनती है उस गैप के जोन को मोहर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, है ना। और एक जो आपका मेजर डिसकंटिन्यूटी बनता है वो है आपका बिटवीन मेंटल एंड कोर, और मेंटल और कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी बनती है वो है आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये दो मेजर डिसकंटिन्यूटी होगी, और माइनर डिसकंटिन्यूटी तब बनती है जब विद इन द सेम लेयर देयर इज डिफरेंसेस ऑफ मिनरल कंपोजिशन, जिसके कारण आपका ये डिसकंटिन्यूटी बन रहा होता है, है ना। फॉर एग्जाम्पल विद इन द अर्थ क्रस्ट वी हैव द कोरोनेट डिसकंटिन्यूटी, कोरोनेट डिसकंटिन्यूटी आपका बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, उसके बाद बिटवीन द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल वी हैव द मोहर डिसकंटिन्यूटी, एंड बिटवीन द अपर मेंटल, ये है अपर मेंटल और ये है आपका लोअर मेंटल, वी हैव द रेपिटाइट डिसकंटिन्यूटी, एंड बिटवीन द आउटर कोर एंड इनर कोर वी हैव द लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो विद इन द सेम लेयर वी हैव द माइनर डिसकंटिन्यूटी, एंड विद इन द डिफरेंट लेयर दैट इज बिटवीन क्रस्ट मेंटल बिटवीन मेंटल कोर वी हैव द मेजर डिसकंटिन्यूटी। तो इस प्रकार से कितनी डिसकंटिन्यूटी हो गई, अगर मेजर या माइनर को मिला दे दोनों को, तो 1, 2, 3, 4, 5 डिसकंटिन्यूटी हो गई। यूपीएससी में क्रोनोलॉजी फ्रॉम अपसाइड डाउन पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखना है। और कैसे याद रखोगे, तो एक ट्रिक है, देख सकते हो, डिफरेंट बाउंड्री नेम्स अगर याद रखने हैं तो मे राम गाइड लक्ष्मण, तो एम से हो गया मोहो, आर से हो गया रेपिटाइट, जी से हो गया गुटेनबर्ग और एल से हो गया लक्ष्मण। लेकिन यूपीएससी इतने में ही नहीं रुकेगी, वो लेयर भी पूछ सकती है, तो लेयर को भी याद रखना है कि अगर मोहो डिसकंटिन्यूटी है तो किसके किसके बीच में, तो आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, और अगर
ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है तो किसके किसके बीच में है, तो योर मेंटल एंड कोर, और अगर लेहमन डिस्कंटिन्यूटी है तो बिटवीन योर आउटर कोर एंड द इनर कोर, और अगर आपका कॉर्नेट डिस्कंटिन्यूटी है तो बिटवीन योर अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। और ये लेयर भी याद रखना है, सियाल आपका टॉप लेयर हो गया, उसके बाद सीमा होता है, उसके बाद निफे होता है, और ये सब डेंसिटी अरेंज्ड होते हैं, यानी कि जितना नीचे जाओगे डेंसर मटेरियल्स बेसिकली मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल सबसे डीपेस्ट में आपको निकल एंड आयरन मिलते हैं बिकॉज वो सब डेंसेस्ट मटेरियल है। तो ये हमने डिस्कस किया, नाउ लेट्स मूव टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, क्या मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन का, है ना। अब ये अर्थ है, अर्थ डेफिनेटली डिफरेंट मटेरियल कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ है। मटेरियल कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि जो भी एलिमेंट्स आप अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, है ना, फॉर एग्जांपल आयरन, ऑक्सीजन, मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स, इन सब से ही तो आपका अर्थ बना हुआ है, तभी तो ये सारे रिसोर्सेस आप एक्सट्रैक्ट करते हो और यूटिलाइज करते हो। तो वही बात है कि आखिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अबंडेंस केमिकल कौन सा है ना, इसको जानेंगे। और विद इन द अर्थ क्रस्ट उसमें सबसे ज्यादा केमिकल कंपोजिशन किस एलिमेंट का है, एंड ओवरऑल अर्थ में देखा जाएगा तो उसमें सबसे ज्यादा केमिकल कंपोजिशन किस एलिमेंट का है, ये दो क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम से पूछा जा सकता है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ की बात करें तो ये इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जब हम क्रस्ट को देखेंगे, क्रस्ट के बारे में जब हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे कि कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा एबंडेंस में मिलते हैं, और दूसरा ओवरऑल अर्थ के बारे में देखेंगे, है ना। तो जब हम बात करें ओवरऑल अर्थ की तो उसमें आपका आयरन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ में, पूरे अर्थ में आयरन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर, सिलिकॉन तीसरे नंबर पर, मैग्नीशियम चौथे नंबर पर, बस इतना ही चार याद रख ले हैं जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल अर्थ की। लेकिन जब हम ओनली अर्थ क्रस्ट के केमिकल कंपोजिशन को जानने का प्रयास करेंगे तो याद रखना है आपको कि यहाँ पर ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट मिलेगा, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आएगा, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम आएगा, चौथे नंबर पर आयरन आएगा, है ना। तो क्या हो गया आपका ये केमिकल कंपोजिशन, आपका अर्थ एज ए होल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आयरन पहले नंबर पर, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर, और उसके बाद आपका सिलिकॉन तीसरे नंबर पर, मैग्नीशियम चौथे नंबर पर, है ना। लेकिन अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे पहले नंबर पर आएगा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर आएगा सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर अलूमिनियम, और चौथे नंबर पर आयरन। अब बात करते हैं अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड की। अर्थ के जियोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि आपको भी पता है जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। बार मैग्नेट में क्या होता है, देयर इज नॉर्थ पोल, देयर इज साउथ पोल, और इस नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है ना, अपना मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करती है, और अल्टीमेटली ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस अर्थ को मिलता है बिकॉज जो सोलर विंड सन से जनरेट हो रही होती है, और ये अर्थ को अटैक करना चाहती है। अर्थ में जो भी आपके ह्यूमन सैटेलाइट्स हैं या फिर जो भी वेजिटेशंस है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ये इन्फ्लुएंस कर सकता है नेगेटिव वे में, बट थैंक्स टू दिस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कि वो सोलर फ्लेयर का इन्फ्लुएंस अर्थ के विद इन द एटमोस्फेयर नहीं पहुंच पाती है, काफी मिनिमम इफेक्ट अर्थ के ऊपर सोलर फ्लेयर का रहता है। दैट्स व्हाई ये मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग स्पीसीज एज वेल एज आपका जो नेचुरल सैटेलाइट्स एज वेल एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, है ना, और भी बड़े बड़े सिग्निफिकेंस है उसे डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो दैट्स व्हाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ के ही पास ये मैग्नेटिक फील्ड का फीचर है, डिफरेंट प्लैनेट्स डू हैव द मैग्नेटिक फील्ड, मार्स में भी मौजूद है ये, है ना। तो अगर हम करेंट स्टेटस की देखें तो अभी जो अलाइनमेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वो आपका सेम अलाइनमेंट में है जैसे आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। कहने का मतलब ये कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल क्या है आपका आर्कटिक रीजन में, ज्योग्राफिकल साउथ पोल कहाँ है आपका अंटार्कटिक रीजन में। उसी प्रकार से अभी फिलहाल अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी आपका इसी वे में है, यानी कि नॉर्दर्न मैग्नेटिक फील्ड आपका आर्कटिक रीजन में है और सदर्न मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल है वो आपका
अंटार्कटिक रीजन में, बट आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायनेमिक है, इसका चेंज होते रहता है एज पर द टाइम, है ना। ये कंप्लीटली रिवर्स भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल ये जो आपका नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल है वो सदर्न मैग्नेटिक पोल की तरफ शिफ्ट हो सकती है एंड वाइस वर्सा, और ये पास्ट में हो भी चुका है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लिक्विड नेचर ऑफ द आउटर कोर, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ दिस मैग्नेट वो भी चेंज हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। काफी लंबा समय लेता है हालांकि, लेकिन चेंज होता है। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हो रहा है, एक तो लिक्विड कोर है आपका, लिक्विड आउटर कोर, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अर्थ रोटेट कर रहा है। अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ इज एक्टिंग लाइक ए डायनेमो, और उसके कारण चार्ज पार्टिकल सेग्रीगेट हो जाते हैं, है ना, प्लस माइनस में, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और आपको ही पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। आपने राइट हैंड थम रूल फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। तो वही बात है, ये जो जियो मैग्नेटिक फील्ड है, डायनेमिक फील्ड है, क्यों, बिकॉज इट कैन चेंजेस इट्स लोकेशन एज वेल एज टाइम। एंड स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स वेरिएशन बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है अबाउट मेटालिक कोर ऑफ द अर्थ। जाहिर सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो जो कोर होगा या फिर जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ होगा, कहीं ना कहीं वो मेटालिक एलिमेंट्स रखे हुए, तभी तो जेनेसिस हो रहा है, अदरवाइज ये जेनेसिस कहाँ से होते। दैट्स वाई ये हमको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में भी जानकारी इनडायरेक्टली देता है। और आपको ही पता है कि जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट है उसमें क्या होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, और आपका साउथ पोल से फील्ड इमर्ज होता है, अल्टीमेटली नॉर्थ पोल में जाता है, है ना, नॉर्थ पोल में इंटर करता है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये सिंपल कंसेप्ट है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि काउज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आपको अर्थ में देखने को मिलते हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द मोल्टेन आयरन जो अर्थ के आउटर कोर में मौजूद है। याद रखना है, अर्थ के आउटर कोर में मौजूद है, और जो टेम्परेचर में डिफरेंस कह लो, प्रेशर में डिफरेंस कह लो, कंपोजिशन में डिफरेंस कह लो विद इन द कोर, इसके कारण कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं इन द मोल्टेन मटेरियल। और कन्वेक्शन करंट जब डेवलप होता है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होना शुरू हो जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि पूरे अर्थ के एटमोसफेयर को घेर लेता है, कवर कर लेता है, और ये कहीं ना कहीं अर्थ को सेफगार्ड करता है फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस लाइक सोलर फ्लेयर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो अर्थ के सरफेस पर आ सकते हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार से शील्ड की तरह काम करता है और प्रोटेक्ट करता है, सो दैट अर्थ शुड नॉट गेट अफेक्टेड। तो आप देख सकते हो नेचर अपने साथ प्रोटेक्शन भी लेके चलती है। एंड ये जो फ्लो है लिक्विड आयरन का इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और इसी इफेक्ट को डायनेमो इफेक्ट कहते हैं। डायनेमो में वही होता है, मोशन में आपका होता है और अल्टीमेटली उससे करंट प्रोड्यूस होता है। करंट जब प्रोड्यूस हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड को तो प्रोड्यूस होना ही है। अब बात करते हैं जियो मैग्नेटिक रिवर्सल। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जियो मैग्नेटिक रिवर्सल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो डायनेमिक इन नेचर है। Why? Because लिक्विड कोर खुद आपका डायनेमिक है, ये मूव करते रहता है, और इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का वो भी चेंज होता रहता है। अब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डायरेक्शन चेंज होगा तो उसी अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होता है। दैट्स वाई एक ऐसा भी समय आएगा कि अगर अभी फिलहाल मैग्नेटिक पोल आपका इस डायरेक्शन में है, तो बिकॉज ऑफ द डायनेमिक नेचर ऑफ आउटर कोर एंड द मोल्टेन नेचर ऑफ आयरन जो आपको आउटर कोर में मिलते हैं वो अपना डायरेक्शन शिफ्ट करता है। और आपने न्यूज में भी सुना होगा कि रिसेंट में ये एविडेंस मिला है कि अर्थ अपने मैग्नेटिक पोल को शिफ्ट कर रहा है ना। तो शिफ्ट करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये जो नॉर्थ पोल है वो इक्वेटर के पास भी आ जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये नॉर्थ पोल कंप्लीटली साउथ पोल में चला जाएगा और साउथ पोल कंप्लीटली नॉर्थ पोल पर आ जाएगा, है ना। ऐसा फैक्ट जियोग्राफिकल इक्वेटर के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि जियोग्राफिकल इक्वेटर को तो हमने डिमार्केट किया, लेकिन मैग्नेटिक इक्वेटर के लिए या मैग्नेटिक पोल्स के लिए ट्रू हो जाता है, बिकॉज ये डिपेंड करते हैं आपके मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन के ऊपर जो आपका आउटर कोर में मौजूद है, है ना। लेकिन ये जो साइकिल रिवर्सल वाली है ये फ्यू हंड्रेड
थाउजेंड ईयर्स के बाद होते हैं, काफी लंबा समय लगता है, काफी धीरे धीरे शिफ्ट होता है। और ये जरूर याद रखना है जियो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है पोल के पास काफी ज्यादा ग्रेटेस्ट होता है और इक्वेटर के पास काफी ज्यादा वीकर होता है। इट इज ऑल बिकॉज पोल्स से ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो इमर्ज होते हैं, पोल्स में ही जाके कंबाइन भी हो जाते हैं। ये बार मैग्नेट आप लेट से की अर्थ है ना, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल साउथ मैग्नेटिक पोल, तो साउथ से आपका इमर्ज होता है आपने भी देखा होगा, और ये नॉर्थ पोल पे मर्ज कर जाते हैं, साउथ पोल से निकलते हैं फिर मर्ज कर जाते हैं, है ना। दैट्स व्हाई ये यहाँ पर आपका इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है ना। यानी कि जब आप अपने कोई मैग्नेटिक डिवाइस लेट से कंपास को लेके आओगे तब मैक्सिमम डिप शोकेज करेगा, है ना, बिकॉज यहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। That's why, याद रखना है आपको इंटेंसिटी ऑफ जियो मैग्नेटिक फील्ड वो ग्रेटेस्ट है नियर द पोल और वीकर है नियर द इक्वेटर। अब बात करते हैं जियो मैग्नेटिक पोल्स की। तो जियो मैग्नेटिक पोल्स जो है वो आपका ये एंटीपोडल पॉइंट है, यानी कि एंटीपोडल पॉइंट यानी कि जैसे बार मैग्नेट में आपका एक डेफिनेट नॉर्थ पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल होता है, उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं जियो मैग्नेटिक पोल्स की तो ये एंटीपोडल पॉइंट है जहां पर जो एक्सिस है बेस्ट फिटिंग डायपोल का, डायपोल यानी कि देयर इज अ टू पोल, वन इज योर नॉर्थ पोल अदर इज योर साउथ पोल, है ना। तो ये जो एक्सिस है बेस्ट फिटिंग डायपोल का इंटरसेक्ट करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ से। और आपको याद रखना है जो हम मैग्नेटिक पोल्स की बात करते हैं जो एक्चुअल अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एंटीपोडल नहीं है। एंटीपोडल इसलिए नहीं है बिकॉज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डायनेमिक इन नेचर है, अलोंग विद दैट ये जो आपका लाइन है जिस पर ये लाई करते हैं वो अर्थ के सेंटर से पास नहीं होता है, है ना। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर परफेक्ट डायपोल होता तो जो फील्ड लाइंस हैं वो वर्टिकल हो जाती टू द सरफेस एट द जियो मैग्नेटिक पोल्स एंड ये कंसाइड कर जाती विद द नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये अप्रोक्सीमेशन इम्परफेक्ट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक पोल है एक्चुअल अर्थ का और जो जियो मैग्नेटिक पोल है वो कुछ डिस्टेंट अपार्ट लाई करते हैं, इट इज नॉट ऑन द सेम एक्सिस। बस आपको यही याद रखने प्रीलिम्स के लिए कि जियो मैग्नेटिक पोल एंड जो एक्चुअल मैग्नेटिक पोल है अर्थ का वो ओवरलैप नहीं करते हैं, दे लाई सम डिस्टेंस अपार्ट, बस इतना ही, इससे डिटेल में नहीं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जियो मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या सिग्निफिकेंस है जियो मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि अगर आपका ये अर्थ है और ये आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हुआ, ये आपका साउथ मैग्नेटिक पोल हुआ और अल्टीमेटली ये फील्ड जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द अर्थ एक्टिंग एज ए बार मैग्नेट, तो इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सेफ गार्ड ये हमें प्रोवाइड करता है। तो पहली बात तो ये कि आप सोलर फ्लेयर के बारे में जानते होंगे, सोलर विंड के बारे में जानते होंगे। क्या होता है सोलर विंड? बेसिकली ये जो सन है आपका ये लगातार इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स रिलीज करते रहती है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो सन के अंदर चलते रहता है ना। अब उसके कारण इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स काफी भारी मात्रा में कभी कभी तो अनएक्सपेक्टेडली हाई सोलर विंड्स रिलीज होती है। और अभी दो तीन दिन पहले की बात थी जो ये न्यूज में आई थी कि जो आपके सोलर विंड्स है वो स्ट्राइक करेंगे अर्थ के ऊपर, है ना, और ये अनएक्सपेक्टेडली काफी ज्यादा चार्ज्ड थे। तो ये सोलर विंड्स लेट से यहाँ से इमिट हुआ और अल्टीमेटली ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का ये एक प्रकार से शील्ड की तरह एक्ट करता है, प्रोटेक्टिव गियर की तरह एक्ट करता है, जिसके कारण होता ये है कि डिस्पाइट ये स्ट्रॉन्ग चार्ज पार्टिकल्स है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर अर्थ के अंदर नहीं घुस पाती है, ये डाइवर्ट हो जाती है और अल्टीमेटली इंटरप्लेनेटरी स्पेस में चली जाती है। यहां से भी ये डाइवर्ट हो जाएगा, इंटरप्लेनेटरी स्पेस में चला जाएगा और कुछ जो ये सोलर फ्लेयर्स है ये पोल के सहारे टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ वहां जाके चले जाएंगे और ये न्यूट्रल हो जाएंगे। और जब ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के इस मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर इज योर द एरिया या द जोन जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो इसी मैग्नेटोस्फीयर से जब ये सोलर फ्लेयर वाले चार्ज पार्टिकल रिएक्ट करते हैं तो लाइट कलर इमिट करते हैं, लाइट, और इसी लाइट
कलरिंग वाले फेनोमेना को नाम दिया गया है आपका ऑरोराज नाम दिया है। और जब ये ऑरोराज आपका नॉर्थ पोल में देखने को मिलता है तो ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और यही जब साउथ पोल में देखने को मिलता है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। कैसे याद रखना है, तो ऑस्ट्रेलिस का नाम आप समझ रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया से लिंक्ड है, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में, तो याद रख सकते हो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आपका सदर्न हेमिस्फीयर के पोलार रीजन में होता है। और जो आपका बोरियोलिस है ना, ऑरोरा बोरियोलिस, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पोलार रीजन में देखने को मिलता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सोलर विंड इंटरेक्ट करते हैं विद द एलिमेंट्स जो आपके मैग्नेटोस्फीयर और अर्थ एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, है ना, और उसके कारण आपका रिएक्शन होता है, अल्टीमेटली लाइट प्रोड्यूस होती है ना। तो वही बात है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो फील्ड है ये आपका शील्ड की तरह एक्ट करता है जो ब्लॉक करते हैं सोलर विंड को, which is emanating from the sun, and ये जो wind है ये आपके electrically energetically charged particles concept करते हैं, which can severely damage the life, the artificial satellites, the communication technology, the communication infrastructure, power lines, बहुत सारे चीजों को affect कर सकते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ही पूरा solar flare जो है वो divert हो जाता है, कुछ जो है हमारे planet में enter करते हैं लेकिन सीधा हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं करते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दिशा निर्देश दे देता है, ठीक है भाई साहब अगर आप आ रहे हो, इंटर कर रहे हो हमारे अर्थ के सरफेस में, तो आप सीधा पतली गली से पोल के माध्यम से इंटर कर जाओ और सीधा सेंटर ऑफ अर्थ में घुस जाओ। उसके अलावा इधर उधर जाओगे तो आपको अच्छी बात नहीं होगी, आपको डंडे मार के भगाए जाएंगे, है ना। तो यही बात है, जो सम पार्टिकल्स वो मैनेज तो कर जाती है टू इंटर द एनवायरनमेंट, बट इसको डायरेक्ट कर दिया जाता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ कि भाई साहब आप पोल के सहारे टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ जाओ और वहां न्यूट्रल हो जाओ, शांति स्थापित कर लो, है ना। और ये जो अमेजिंग लाइट इवेंट देखने को मिलती है इसी को पोलर लाइट या ऑरोराज कहते हैं। और अदर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट हेल्प्स इन नेविगेशन बाय यूज ऑफ कंपास, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के ही कारण तो आज हम कंपास और अपने ट्रेवल में यूज कर पाते हैं, है ना। शिप्स सब मैग्नेटिक कंपास के सहारे ये अपने डायरेक्शन इंश्योर करते हैं कि जाना किधर है ना। आपके मोबाइल में मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही वो कंपास वर्क कर रहा है ना। एंड अदर सिग्निफिकेंस की बात करें तो वी हैव द मैग्नेटो परसेप्शन। मैग्नेटो परसेप्शन बेसिकली ये होता है कि जो एनिमल्स है, है ना, एनिमल्स भी मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है उसका सहारा लेती है फॉर नेविगेशन, जब उनको कहीं दूसरे जगह जाना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस उनको ट्रेवल करना पड़ता है, बर्ड सब इसी सब के सहारे ट्रेवल करती है। अदरवाइज रात में भी बर्ड्स मूव करती है, रात में भी जानवर सब माइग्रेट करते हैं, तो कैसे संभव है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट जो उनके पास मौजूद है, जो नेचर ने उन्हें दिया है, वो है उसका लोकेशन फाइंड करने की क्षमता विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज अदर कुछ टैलेंट भी हो सकते हैं हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, है ना। एंड स्टडी ऑफ पैलियो मैग्नेटिज्म ये सब में भी कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करता है, बिकॉज पैलियो मैग्नेटिक रॉक की जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमको कहीं ना कहीं जियो मैग्नेटिज्म के पास्ट रिकॉर्ड के बारे में बताता है कि पहले के समय में जो आपका लोकेशन था साउथ मैग्नेटिक पोल नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का वो कहाँ था और क्या वो मूव किया या नहीं किया, है ना, तो इसके बारे में हमको बताता है। साथ ही साथ इसके माध्यम से हम एज ऑफ रॉक्स के बारे में भी बता सकते हैं, और आपको ही पता है एज ऑफ रॉक्स के बारे में एक जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे दैट इज योर हैरी हेस, उन्होंने इसी के सहारे सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट दिया था, और उसके बाद आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बनी थी, है ना। तो इन सब के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और जियो मैग्नेटिक फील्ड काउजेज, है ना, तो जियो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही आज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मैग्नेटोस्फेयर का लेयर भी मौजूद है अराउंड द अर्थ, और आप देख सकते हो जो बाउंड्री है मैग्नेटोस्फेयर की उसको मैग्नेटो पाउज कहते हैं, और ये सोलर विंड आ रहे हैं सन के तरफ से, और देख सकते हो ये किस प्रकार से शील्ड की तरह एक्ट कर रहा है, और अल्टीमेटली ये सोलर विंड को डाइवर्ट कर दे रहा है कि भाई साहब सीधा पतली गली से पहली फुर्सत में पोल की तरफ निकल, नहीं तो इंटरप्लेनेटरी स्पेस की तरफ निकल, दूसरे को परेशान कर हमें नहीं, है ना। तो ये इवेंट आपका ऑरोरा इवेंट कहलाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियोलिस, है ना। और ये हो गया आपका मैग्नेटोस्फीयर, देख सकते हो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुए हैं यही है आपका, है ना। अब बात करते हैं आपका मैग्नेटोस्फीयर की, तो मैग्नेटोस्फीयर जिस प्रकार से आपने
स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा, जिस प्रकार से आपने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, उसी प्रकार से मैग्नेटोस्फेयर भी एक लेयर है एटमोस्फेयर का, स्पेस का, विच सराउंड्स द अर्थ, या फिर ये मैग्नेटोस्फेयर किसी अदर प्लेनेट या स्टार के ऊपर भी हो सकता है, उसको भी ये प्रोटेक्शन दे सकता है। और इसमें क्या होते हैं कि जो भी सोलर विंड या इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आउटर रीजन से आते हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने सरफेस के अंदर, अपने एटमोस्फेयर के अंदर आने से रोकता है ना, और नुकसान कराने से बचाता है। क्या करता है ये, इट ट्रैप्स द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सोलर विंड, इट इज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन जो सन के द्वारा एमिट होते हैं, एंड उसको फिर आपका अर्थ के कोर में जाकर डाल देता है सीधे, एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 60,000 किलोमीटर ऑन द साइड फेसिंग द सन। यानी कि अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर की बात करें तो लेट्स से कि इधर सन का फेस है, तो इधर जो मैग्नेटोस्फीयर का लेयर है वो आपका 60,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा है, जबकि आपका जो अपोजिट साइड में है वो मोर देन 60,000 का लेयर ये कवर करता है मैग्नेटोस्फीयर, है ना। और इसकी बाउंड्री को हम मैग्नेटोस पाउच कहते हैं, है ना। उसके बाद यानी कि मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटो पाउच की जो बाउंड्री है, उसके बाद कहीं ना कहीं टर्बुलेंट मैग्नेटिक रीजन देखने को मिलता है, जिसको मैग्नेटोशीथ कहते हैं। तो मैग्नेटोशीथ इज योर आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटो पाउच, और इसी मैग्नेटोशीथ में आपको वैन एलन रेडिएशन बेल्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो हमेशा अटैक करने पर तत्पर रहती है, लेकिन वो तो चलो अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जो लोअर बेल्ट है इस वैन एलन रेडिएशन का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 1000 टू 5000 किलोमीटर अबव द अर्थ इक्वेटर। और जो अपर बेल्ट है इसमें मेनली इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम 15000 टू 25000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर। बट इसके बारे में आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, मैग्नेटोशीथ के बारे में आपको पता होना चाहिए बस, है ना, और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ इस मैग्नेटोशीथ में आपका वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है, कंटेनिंग द हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स। नाउ वी मूव टू द मैग्नेटिक स्टॉर्म्स। तो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बेसिकली एक पीरियड कह सकते हो, एक ड्यूरेशन कह सकते हो, जहां पर रैपिड मैग्नेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है ना, मैग्नेटिक फील्ड में काफी ज्यादा जब वेरिएशन हमें नजर आता है, उस पीरियड को हम मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के पीरियड कहते हैं। और ये वेरिएशन सबसे ज्यादा तब देखने को मिलता है जब स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर से, जो अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है उससे कोलाइड करता है, तब ये हमें रैपिड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन देखने को मिलता है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं ये टकराने के बाद डायरेक्ट ये मैग्नेटिक फील्ड इधर चली आती है, वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि टकराने के बाद कहीं ना कहीं आफ्टर इफेक्ट होते हैं, अल्टीमेटली इसको इधर ढकेल देता है, और अल्टीमेटली ये फिर वेरिएशन मैग्नेटो फील्ड में देखने को मिलता है। तो ये आपके हो गए मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, है ना, और इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है इन द नियर अर्थ सरफेस, और इसी को रिंग करंट कहते हैं, और मोस्टली ये कंसंट्रेटेड होते हैं ओवर द पोल। और ये जो स्टॉर्म है, करंट है, जाहिर सी बात है करंट है, तो ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट को हार्म कर सकता है, एज वेल एज लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन को हार्म पहुंचा सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयोनोस्फीयर, क्योंकि आयोनोस्फीयर आपको पता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, तो शॉर्ट सर्किट करवाया जा सकता है, और जीपीएस जो डिपेंडेंट है सैटेलाइट के ऊपर, रेडियो कम्युनिकेशन के ऊपर, वो भी इंपैक्ट हो जाएंगे, डायरेक्शन पता चला नॉर्थ का साउथ बताने लगे, तो आप सोच सकते हो जो भी इससे अटैच्ड है हमारा नेविगेशन सिस्टम, जिसके माध्यम से हम नेविगेट करते हैं, चाहे ओशियन में, चाहे रोडवेज में, चाहे रेलवेज में, एयरवेज में, वो सारा का सारा प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं ऑरोराज की। तो ऑरोराज के बारे में तो आपको बता ही दिया कि जो आपके सोलर फ्लेयर्स है, विच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, आयंस का हो, इलेक्ट्रॉन्स का हो, है ना, जब वो मैग्नेटोस्फीयर में घुसने का प्रयास करते हैं, और अल्टीमेटली जब वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हमारे एटमोस्फेयर में मौजूद है उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो इसके कारण रिएक्शन होता है, और इसी रिएक्शन के कारण आपका लाइट प्रोड्यूस होता है, उसी लाइट को ऑरोराज कहते हैं। और ऑरोराज मोस्टली आपको पोल के आसपास नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो जाहिर सी बात है वहां पर रिएक्शन काफी ज्यादा होता है। और ऑरोरा जो आपके अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं तो उसको ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है उसे आपका ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है, दैट्स वाइज ऑरोरा
ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और बाकी जो बचा हुआ ऑरोरा बोरियलिस। नाउ लेट्स मूव सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर इतनी ताकत है या किसी डिवाइस के अंदर इतनी ताकत है कि वो डायरेक्ट एकदम अर्थ के सेंटर पर जाके पहुंच जाए, है ना। तो हमें डायरेक्ट सोर्सेस के माध्यम से अर्थ के इंटीरियर का पता लगाना कि अर्थ के अंदर क्या क्या मौजूद है, क्या कंपोजिशन है, क्या चेंजेस अगर होते रहते हैं, क्यों मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, क्यों अर्थक्वेक आता है, क्यों मैग्नेटिक कन्वेंशन होता है, है ना। इन सब के बारे में डायरेक्टली हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। कुछ सोर्सेस काफी लिमिटेड सोर्सेस हैं जिसके माध्यम से हमें डायरेक्टली पता चलता है कि हाँ हम डीप में जा रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं या वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि विद इन द अर्थ इंटीरियर क्या है। तो इसीलिए जब भी इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमें जानना होगा तो मेजरली हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो आपका डायरेक्ट सोर्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्सेस में फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑपरेशन जो किए जाते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज जो होते हैं, और जब आपका गड्ढा खोदा जाता है, बेसिकली माइनिंग करी जाती है, तो जो भी मटेरियल फ्रॉम विद इन द अर्थ निकलते हैं उसकी स्टडी करी जाती है, एनालिसिस करी जाती है, जो भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं उन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं और कॉमन एनालिसिस निकाला जाता है कि हाँ भाई जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं डिफरेंट कंपोजिशन के मिनरल मिल रहे हैं, डेंसिटी डीपर वाली काफ़ी ज़्यादा डेंसर मटेरियल नीचे मिल रहा है, उसके ऊपर लाइटर मटेरियल मिल रहा है, तो इससे पता चलता है कि हाँ एज वी मूव डीप टू द अर्थ तो डेंसिटी बढ़ती है, उसी प्रकार से अदर कंक्लूजन निकाले जाते हैं। तो माइनिंग एरिया से आपको कहीं ना कहीं मोस्ट इजिली अवेलेबल अर्थ मटेरियल मिल जाता है, वो आपका सर्फेस रॉक। एंड फॉर एग्जाम्पल जो गोल्ड माइन है साउथ अफ्रीका में, वो 3 से 4 किलोमीटर डीप है, तो 3 से 4 किलोमीटर डीप व्यक्ति जाता है और उसका स्टडी करता है, जो भी चेंजेस वो फील करता है उस सबको नोट डाउन करता है और बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस वो फिर कंक्लूजन निकालता है। बट इससे और ज्यादा डीप जाना डायरेक्टली बाय ह्यूमंस वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जितना ज्यादा नीचे जाया जाता है उतना ज्यादा हॉटनेस बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाती है, सफोकेशन होने लगता है, इसलिए कहीं ना कहीं ह्यूमंस को डायरेक्टली टुवार्ड्स द इंटीरियर ऑफ अर्थ नहीं भेजा जा सकता। तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ भाई जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है, और इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाले जाते हैं कि और ज्यादा नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर प्रेशर और ज्यादा बढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ मटेरियल और ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये भी एक एविडेंस निकाला गया डायरेक्ट सोर्सेस से। दूसरा है वेरियस प्रोजेक्ट जो चलाए जा रहे हैं डिफरेंट नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अभी फिलहाल 2 मेजर प्रोजेक्ट जिसमें आपका डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, और अभी फिलहाल डीपेस्ट ड्रिल जो किया गया, ड्रिल मतलब होल किया जाना और उससे मटेरियल एक्सट्रैक्ट आउट करना, उसके बाद उसको एनालिसिस करना, है ना, कंपोजिशन को एनालिसिस करना और उसके बाद कंक्लूजन निकालना। तो जो डीपेस्ट ड्रिल किया गया है वो है आपका कोला आर्कटिक ओशियन में, और अप टू 12 किलोमीटर का डीप ड्रिल किया गया और मटेरियल्स को निकाला गया, और भी बहुत सारे लोकेशन पर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं और दे हैव प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन वाया एनालिसिस ऑफ मटेरियल जो कलेक्ट किए गए हैं डिफरेंट डेप्थ में। जो दूसरा डायरेक्ट सोर्स का एविडेंस है वो है आपका वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन आपको ही पता है, जो अर्थ के इंटीरियर में मोल्टेन मैग्मा होती है वो अर्थ के सरफेस पर वाया क्रैक्स एंड ज्वाइंट्स एंड फॉल्ट्स उसके माध्यम से अर्थ के सरफेस पर आती है और वो लावा बनकर सरफेस पर सॉलिडिफाई होती है, है ना। तो इससे आपको डायरेक्टली ये पता चल रहा है कि विद इन द अर्थ जो मटेरियल है वो जब सरफेस पर आ रहा है तो वो क्या कंपोजिशन कंटेन करता है, क्या मिनरल है, है ना। तो इससे भी आपका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या मौजूद है, क्या मिनरल्स मौजूद है, है ना। एज एंड व्हेन द मोल्टन मटेरियल मैग्मा इज थ्रोन आउट ऑफ द सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, ये लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। जो दूसरा है आपका इनडायरेक्ट सोर्सेस, इनडायरेक्ट सोर्सेस में आपके मेटियोर्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आपको भी पता है कि जब मैंने फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एज वेल एज प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स इन सब के बारे में बताया था, तो एक बात जरूर बताया था कि ये सारे के सारे जो फॉर्मेशन हुए हैं, चाहे वो मेटियोर्स की बात कर लो, ये सब सेम प्रोसेस से बने हैं, सिमिलर जैसे आपका अर्थ बना है उसी प्रोसेस से आपका ये मेटियोर्स बना है। क्या है ये मेटियोर या एस्ट्रॉइड, बेसिकली रेमिनेंट है प्लैनेट के, या फिर यूं कह सकते हो कि वैसे ऑब्जेक्ट, वैसे रॉकी सरफेस जो प्लैनेट नहीं बन पाए वो आपके एस्ट्रॉइड रह गए। ये भी तो चक्कर लगाते हैं ना अर्थ बेसिकली सूर्य का, बट ये
फुल प्लैनेट में डेवलप नहीं हो सके या फिर रेमनेंट रहे हैं प्लैनेट्स के, तो कहीं ना कहीं ये भी सिमिलरली डेवलप हुआ है। तो अल्टीमेटली अगर हम मैट्योर की स्टडी करते हैं, मैट्योर का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके मेट्रोइट है जब वो अर्थ के सरफेस पर लैंड कर जाते हैं बाय सरपासिंग द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, तो अर्थ के सरफेस से टकराती है तो उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, तो अल्टीमेटली एनालिसिस निकाला जाएगा कि हाँ इसके कोर में क्या कंपोजिशन है, और देखा जाएगा कि अगर कोर में आयरन है तो इसका मतलब अर्थ के कोर में भी आयरन होगा, इस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है। एंड दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम और सिमिलर टू अवर अर्थ, इसलिए ये बिकम अनदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। दूसरा है आपका ग्रेविटी एनामोली। एनामोली का मतलब ये हुआ डेविएशन। डेविएशन कहने का मतलब सिंपल शब्दों में कहें कि लेट से कि एक रास्ता है और रास्ता स्ट्रेट लाइन जा रहा था, और अल्टीमेटली पता चला कि ये रास्ता आपको लग रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, आपने गूगल मैप पर चेक किया और पता चला जब एक्चुअली आप इस रास्ते पर चल रहे हो तो ये आपका स्ट्रेट ना जाके कर्व्ड जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो उम्मीद कर रखी थी, जो एक्सपेक्टेशन रखा था कि सीधा जाएगा, लेकिन आपका एक्चुअल में क्या है, कर्व्ड है, तो इसी को एनामली कहते हैं। उसी प्रकार से ग्रेविटी एनामली की बात करें तो सपोज एक रीजन है, वहां पर ग्रेविटी जो होनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन है लेट से कि आपका कुछ वैल्यू है एक्स, लेकिन वहां पर आपका या तो ग्रेविटी एक्स प्लस वाई दिख रहा है या फिर एक्स माइनस वाई दिख रहा है, तो इसका मतलब जो वहां पर एक्चुअल होनी चाहिए उससे या तो कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है। तो फिर अगर कम या ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लोकेशन में एनामली है। अब उस लोकेशन में एनामली क्यों हो सकता है, इट इज ऑल बिकॉज कि उसके अंदर या उसके इंटीरियर में जो मटेरियल है जिसके कारण ग्रेविटी इन्फ्लुएंस होती है वो डिफरेंट कंपोजिशन का है, काफी हल्के मटेरियल का हो सकता है या फिर काफी हैवी मटेरियल का हो सकता है, जिसके कारण ग्रेविटी जो है उस रीजन की इन्फ्लुएंस हुई है। तो ये होता है आपका ग्रेविटी एनामली, है ना। तो ग्रेविटी वैल्यूज डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल, ये तो मैंने आपको बताया ही, और ये भी आपको पता है कि जो अर्थ है और अर्थ की जो मटेरियल है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण तो आपका ग्रेविटी एनामली आ रहा है। अगर अदरवाइज हर जगह यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मिनरल होता तो फिर एनामली क्यों आता है, सभी जगह एक ही वैल्यू ऑफ ग्रेविटी आती, दैट्स व्हाई आपको ग्रेविटी एनामली देखने को मिलती है। एंड द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस वो बहुत सारे अन्य फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, एंड दीज रीडिंग्स डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू से रीडिंग जो डिफर कर रहा है, जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल, इसी को द ग्रेविटी एनामली कह रहा है। एंड ग्रेविटी एनामली गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। एंड अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आपका, तो जो मैग्नेटिक सर्वे की जाती है जस्ट लाइक जैसे ग्रेविटी एनामली मेजर किया जाता है, उसी प्रकार से रीजन का मैग्नेटिक फील्ड मेजर किया जाता है, तो इससे भी आपका इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि आखिरकार जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स फॉर एग्जाम्पल आयरन जो मैग्नेट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्रस्टल पोर्शन में, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स इन दिस पार्ट। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज योर सेस्मिक एक्टिविटी या अर्थक्वेक। आपको पता है अर्थक्वेक काउज होता है बिकॉज ऑफ द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी विद इन द अर्थ इंटीरियर, है ना। अब अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन अर्थ के इंटीरियर का होता तो फिर शैडो जोन की जरूरत ही नहीं पड़ती, हर जगह से आपका जो सेस्मिक वेव है इमर्ज होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में, बट ऐसा नहीं होता। वी हैव द पी वेव, वी हैव द एस वेव, डिफरेंट वेलोसिटी है, पी वेव हर एक लेयर से पास हो जाती है, एस वेव नहीं पास हो पाती है, तो ये सब क्या बताता है कि अर्थ का कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट मिनरल एंड डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड भी है आपका लिक्विड भी है, है ना। तो ये सब आपके सेस्मिक एक्टिविटीज से पता चलता है बिकॉज वी हैव द शैडो जोन। अगर कायदे से देखा जाए तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता तो शैडो जोन की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन शैडो जोन है, डिफरेंट स्पीड है, तो इसका मतलब देयर इज डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर एंड द शेकिंग इज कॉज्ड बाय मूवमेंट इन द अर्थ आउटरमोस्ट लेयर। ये तो आइए बात करते हैं कि लिथोस्फेयर जो आप देखते हो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, यानी कि सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर अर्थ के हिस्ट्री की बात करें तो आपको ही पता है जब अर्थ अपने प्राइमोर्डियल स्टेज में था तो वो आग का गोला था यानी कि मोल्टन स्टेज में था, तो जो भी हैवी मटेरियल्स थे, हैवी मिनरल्स थे, वो सिंक कर गए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और कोर में जाके चिपक गए। तो जो सबसे डेंसेस्ट होंगे वो कोर में चले गए, जो उससे लाइटर होगा वो मेंटल में चला गया, जो सबसे लाइटर था वो आपका क्रस्ट में आ गया, है ना। और धीरे धीरे एज द टाइम पासिस जो आपका टेम्परेचर है
वो कूल डाउन हुआ, और कूल डाउन होने के बाद जो ऊपर का लेयर है सबसे पहले तो वही कूल डाउन होगा, तो आपका अर्थ का लिटोस्फेयर है वो आपका सॉलिडिफाई हो गया, कंडेंस हो गया, और अल्टीमेटली आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट वो बन गया, और क्रस्ट के नीचे वाला जो लेयर है दैट इज योर एस्थेनोस्फेयर, जो आपका मैग्नेटिक और हाईली टेम्परेचर वाला स्टेट है, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव प्रेजेंस एज वेल एज जो प्रीमोर्डियल हीट बच गए थे और उसके ऊपर आपका सॉलिड लेयर का कवर चढ़ गया, उसके कारण वो आपको लिक्विड या फिर प्लास्टिक स्टेज में मिल जाते है ना। तो लिथोस्फेयर की बात हमने कर दी, लिथोस्फेयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ एंड लिथोस्फेयर इंक्लूड्स द ब्रिटल अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट, याद रखना है ना, तो क्रस्ट टोटल और फिर अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल है ना, इसको कवर करता है आपका लिथोस्फेयर है ना। तो देख सकते हो, ये देख लो, जब आपका मोल्टन स्टेज में था आपका अर्थ प्राइमोर्डियल स्टेज में था, तो जो लाइटर मटेरियल है वो ऊपर आ गए है ना, जो ब्लैक कलर में देख रहे हो वो लाइटर मटेरियल है, उससे आपका क्रस्ट बना, और जो आपके हैवी मटेरियल है वो सिंक कर गए कोर की तरफ है ना, कोर मेंटल की तरफ, और अल्टीमेटली प्रेजेंट स्टेटस देख लो, वी हैव द आयरन कोर एंड वी हैव द क्रस्ट इन द सॉलिड फॉर्म है ना। इस प्रकार से आपका लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन हुआ। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की लेक्चर सीरीज, और नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर से शुरू करेंगे, और यहाँ से आपका जो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।